केवल 5,000 रुपया, मतलब कि ओनली 5,000 रुपीज़ करके आपको लगाना है, जिससे दोस्तों आपको आने वाले दिनों में एक ऐसा स्टॉक है मैं बताने वाला हूँ कि आपको बहुत अच्छा जो है वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। अब कौन सा स्टॉक है, कैसा है दोस्तों, हमें कैसे पैसे लगाना चाहिए शेयर मार्केट में, सबसे पहले वो बताता हूँ। लोग सही से पैसा नहीं लगा पाते हैं मार्केट में, अब बोलते हैं ये क्या बात हुई, मैं आपको बताता हूँ। लिमिटेड स्टॉक में अनलिमिटेड पैसा लगाना है, अनलिमिटेड स्टॉक में लिमिटेड पैसा नहीं लगाना है। मतलब कि अगर हमारे पास 50,000 रुपये हैं, ओनली 50,000 है, और दोस्तों मैंने उसमें जो है 50 शेयर ही खरीद लिया, 50 टाइप की कंपनी में ही पैसा डाल दिया, तो पता ही नहीं चलेगा किसमें लॉस है किसमें प्रॉफिट है। आपको 50,000 रुपये लगाना है तो 5 ऐसी कंपनी ढूंढना है जो बहुत ही अच्छी हो, और उसी में आपको 10,000 10,000 करके डालना है, तब आपको भी पता चलेगा कि किस कंपनी में कितना लॉस हो रहा है और किस कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो उसी तरह दोस्तों आज मैं केवल एक स्टॉक का नाम बताने जा रहा हूं जिसमें आपको 5,000 रुपये करके लगाना है, और आप प्रॉफिट दोस्तों आप एस्टीमेट नहीं कर सकते इतना अच्छा आपको प्रॉफिट देगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर सकते हैं, अगर लॉस में हो तो एग्जिट भी कर सकते हो, मतलब कि अपना लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बोला कि हमारे YouTube चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है, तब आप पूछेंगे कि आपने एक दिन पहले कोई स्टॉक बताया था, चलिए एग्जांपल देके बताइए, ठीक है। तो आज सुबह में ही हमारे यहाँ से 2 वीडियो अपलोड हुआ है दोस्तों, 2 वीडियो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो, 11 आवर्स, जस्ट 11 आवर्स आगो करके, और ये भी देखिए दोनों साथ में ही अपलोड किया गया था, ठीक है। अब मैं आपके सामने वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कि मैंने आपको खरीदने बोला था और कौन से प्राइस पे बोला था और कितना प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपको पहले बताऊंगा तो आप जम के खरीद सकते हो। मतलब सोचिए किस स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तब आप कब खरीदेगा, स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होने के बाद या इंक्रीज होने के पहले, पहले खरीदेगा ना, तब आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो पहला वीडियो आपके सामने प्ले करता हूँ जो सामने आया है, ठीक है, ये देख लीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक लॉजिस्टिक कंपनी के बारे में, जो उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो 275 के आसपास चल रहा है, और इसमें अपर सर्किट भी लगा हुआ है दोस्तों, 7 रुपीज का अपर सर्किट है, 2 या 3% का यहाँ पर देख सकते हो मूवमेंट। ये कंपनी कैसा है दोस्तों, मेरे हिसाब से आप इसको खरीद सकते हो, अच्छा से खरीद सकते हो दोस्तों, आने वाले दिनों में ये आपको जो है जम के प्रॉफिट देगा। तो ऐसे कंपनी तो को अपने एक मिनट देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला, ये कंपनी को आप खरीद सकते हो, आने वाले दिनों में ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं और आपको सुना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। है 2 या 3% का यहाँ पर देख सकते हो मूवमेंट है। तो ये कंपनी कैसा है दोस्तों, मेरे हिसाब से आप इसको खरीद सकते हो, अच्छा से खरीद सकते हो दोस्तों, आने वाले दिनों में ये आपको जो है जम के प्रॉफिट देगा। तो ऐसी कंपनी को अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर तो ठीक है, मैंने बोला दोस्तों जम के खरीदना चाहिए और आपके हाथ से निकलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। VRL लॉजिस्टिक ये था, और ये रहा, मैंने जस्ट वीडियो को 11 आवर्स पहले, मतलब कि दोस्तों मार्केट ओपन होने से पहले अपलोड किया था। मार्केट बंद होने के बाद आपके हाथ में कितना प्रॉफिट है देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो 5 या 6% का अपर सर्किट लगाया गया है, मतलब कि दोस्तों आपको 6% तो एक दिन के अंदर मिल गया। हाईएस्ट चेक कर लेते हैं दोस्तों, तो 295, ओ माई गॉड, 295 गया था दोस्तों, और अब भी देख लीजिए करंट प्राइस क्या, 288, मतलब इससे भी अच्छा प्रॉफिट आपको दिया था। तो देखिए ये मैंने क्या क्या पहले बताया, तो आप जम के खरीदो तो आपको प्रॉफिट होता, ठीक है। और दूसरा स्टॉक मैंने बताया था एक और, तो ठीक है टाइम ना वेस्ट करते हुए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। VRL लॉजिस्टिक मैंने बताया था पहला वीडियो, और उसके साथ में देखिए 11 आवर्स पहले मैंने बताया था ये स्टॉक का AEGIS लॉजिस्टिक था, इसमें मैंने बताया था कि इसमें साफ साफ मैंने लिखा था शेयर का प्राइस बढ़ने वाला करके, तो दो, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, ओनली 1% का लॉस है। तो ये रहा आपके सामने, यही स्टॉक था दोस्तों, यही दोनों स्टॉक था। इसमें देख लीजिए 1% का लॉस है, इसमें क्या है 5% का प्रॉफिट है। तो देखिए मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी भगवान नहीं हूं या मशीन नहीं हूं, जिसे मैंने आपको 10 स्टॉक बोला तो 10 में से 10 सही जाएगा दोस्तों, मार्केट में 100% कोई नहीं है, लेकिन हाँ अपना एबिलिटी को यूज करना है और अच्छे तरीके से फंडामेंटली देखना है, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। मान लीजिए सपोज अगर इसमें 1% लॉस है तो इसमें 5% प्रॉफिट भी तो है, अगर चला जाएगा तो फिर भी मेरे पास कितना बचेगा, 4% तो बचेगा, 4% मतलब कि मैंने आपको 4% तो निकाल के दिया। अब आते हैं पॉइंट पे दोस्तों, कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें हम 5,000 रुपये लगा देंगे तो हमारा बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। दोस्तों बच्चे की अगर किसी बच्चे को भी बार बार बोल देंगे ना तो वो भी रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। मैंने दोस्तों उसी तरह यूट्यूब वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने 5-6 बार तो बता ही दिया, मिनिमम 5 या 6 बार तो मैंने बता ही दिया वो कौन सी कंपनी है दोस्तों, IRCTC। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कितना, 4% का अपर सर्किट लगा, 4% का अपर सर्किट लगा है इसका, एक मिनट यहाँ देख लो दोस्तों, 1013 पे ये ओपन हुआ था, 1050
69, मतलब कि दोस्तों 60 तक, ये हाईएस्ट दोस्तों, ये जो लेवल को ये टच कर रहा है, हायर से हायर लेवल को टच कर रहा है। अगर आप इसमें दोस्तों थोड़ा भी पैसा लगा देते हो, अगर 5,000 रुपये मतलब 5,000 पर मंथ आपको लगाते हो, तो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आने वाले दिनों में आपको इतना अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे देगा, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। और यहाँ पर देखिए, मैंने आपको हर एक प्राइस पे, हर एक लेवल पे दोस्तों वीडियो बना बना के आपको बोला कि आपको खरीदना है IRCTC, आपको खरीदना है। फर्स्ट हम नीचे से देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं IRCTC का जो IPO आने वाला है, लिस्टिंग पर होगा 40 से देख सकते हैं 50 से 75% का आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 50 से 75% का आपको प्रॉफिट होगा। देख लीजिए यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है 50 से 70% तक आपको मुनाफा होगा। ये पहला वीडियो मैंने बनाया था, उसके बात तो फिर से मैंने यहाँ पर देखिए लिखा था दोस्तों IRCTC जो खरीदा नहीं खरीदा वो पछताएगा करके, क्योंकि वॉरेन बफेट जैसे जो है ऐसे बिजनेस को डिमांड करते हैं। और फाइनली दोस्तों मैंने अभी फिलहाल में जाके ये वीडियो बनाया था, ये वीडियो, और मैंने दोस्तों बोला था केवल एक शेयर तो खरीद लो वही बहुत है दोस्तों, पर मंथ अगर 1 क्वांटिटी पर खरीदते हो तो आपको एस्टिमेट नहीं कर पाओगे प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। अभी दिखाता हूँ मैं प्रॉफिट क्या होता है। और 5,000 का मतलब होता है दोस्तों 5 क्वांटिटी, मिनिमम 5 क्वांटिटी, ठीक ठीक है। देखिए मैंने भी IRCTC को खरीदा था, और यहाँ आज के डेट में यहाँ पर देख सकते हो 11+ मतलब 11% मुझे जो है प्रॉफिट हो रहा है। समझ सकते हो दोस्तों हमें जो है बैंक से मिलता है 7% ही मिलता है, वो भी 1 ईयर में, 1 साल में हमें मिलता है कितना, ओनली हमें 7% मिलता है। अगर हम 1 महीने के अंदर भी 10% कमा लेते शेयर मार्केट में, तो सोच सकते हो 1 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने दोस्तों आपको बच्चे की तरह बार बार हर एक रास्ते पर बोला, लेकिन हाँ ये चीज तो मैं बताऊंगा, मैं वीडियो में जो भी है मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों पेड सर्विस है वो अलग है, अगर पेड लेते हैं तो वहां पर आपको पहले बताया जाएगा, ठीक है। और पहले कैसे बताया जाएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मत देखिए कि दोस्तों मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है 429, ये देखो कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया। अगर मैं 1 क्वांटिटी खरीदता हूँ तो उसमें कितना प्रॉफिट होगा, अगर मैं 2 क्वांटिटी खरीदता हूँ तो कितना, मैंने कितना क्वांटिटी लिया था यहाँ पर देख सकते हो, ओनली 4 क्वांटिटी मैंने लिया था। ओनली 4 क्वांटिटी लेके दोस्तों अगर मुझे 400 प्रॉफिट हो सकता, 400 प्रॉफिट हो सकता है, तो सोच लो अगर पर मंथ अगर आप ओनली फाइव क्वांटिटी खरीदोगे SIP के मोड में, तो आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा आप खुद भी एस्टिमेट नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने कई बार और कई सारे वीडियो में मैंने दिखाया कि मुझे जो है 10,000 30,000 40,000 का प्रॉफिट हुआ और 30% का प्रॉफिट हुआ, मैंने कई सारे वीडियो में मैंने आपके साथ अपना पोर्टफोलियो शेयर किया। तो मैं सारा पोर्टफोलियो शेयर नहीं कर सकता क्योंकि दोस्तों वो अलग है इसलिए। और यहाँ पर देखिए कुछ हमारे कस्टमर भी, तो जैसे नए नए कस्टमर आते जाते हैं उनको भी बता दिया जाता है, हालांकि लेट रहते हैं लेकिन फिर भी बता दिया जाता है, तो आप ऐसा मत करो कि आप भी लेट हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेट भी है दोस्तों 30 नवंबर को, ये कस्टमर को मैंने यहाँ बताया था कि IRCTC को खरीदना 964 के भाव पे, 964 पे ही बता दिया गया था, और जो टारगेट था 1,000 था दोस्तों वो कब था, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो आप पैसा मत देखो, आप टाइम देखो, क्या आपके पास पेशेंस है या पैसा। पैसा तो आप लोन भी ले सकते हो, किसी से मांग भी सकते हो, लेकिन पेशेंस एक ऐसा चीज़ है जो आपको खुद करना पड़ेगा, आपको खुद पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको खुद पेशेंस बनाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो लेकिन वो किसी से क्रेडिट नहीं ले सकते, आपको खुद पेशेंस रखना पड़ेगा। तो दोस्तों पैसे तो सबके पास होते हैं, थोड़ा दिमाग और पेशेंस भी लगा लिया करो, तब शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रुकेगा। तो यहां पर देख लीजिए IRCTC को, और 30 नवंबर को मैंने IRCTC के साथ देखिए आपके सामने जब दिखे गया है तो बोलने में क्या जा रहा है, UPL का बाय दिया था, UPL को बाय करने के लिए 543 में दिया था, और आज के डेट में दोस्तों वो 620 को हाईएस्ट मारा, 620 को हाईएस्ट मारने के बाद गिरा है, तो इसमें भी तगड़ा प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों वो प्रॉफिट नीचे बुकिंग हो चुका था लेकिन फिर से वो गिर चुका, तो उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। और दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ना ओपन माइंडेड बनाता हूँ, मतलब कि दोस्तों कभी भी मैं आपको ऐसा नहीं बोलता है मे बी मे नॉट बी, शायद ये शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, ये क्या है कस्टमर को फंसाने का कोशिश किया जा रहा है, मैं आपको कहाँ दुविधा में डाल रहा हूँ, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये क्या बात हुई, ये तो मैं भी बोल सकता हूँ कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड में बता देता हूँ कि इसका प्राइस इंक्रीज होगा तो होगा, नहीं हुआ चलिए, अगर कभी कभी ऐसा होता है डिक्रीज हो गया चलिए हो जाता है, ऐसे मार्केट कभी अपोजिट होता है, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं, मैं जो भी बोलता हूँ आपको सीधा बोलता हूँ, ठीक है। अब यही वीडियो को देख लीजिए, मैंने बोला था देखिए मुथूट फाइनेंस और IRCTC धमाकेदार प्रॉफिट की तैयारी, धमाकेदार प्रॉफिट की तैयारी का मतलब क्या है, अभी प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट देने वाला है। बहुत सारे वीडियो में आप ये देखोगे यस बैंक में देख लो 30% की गिरावट, अरे भाई मुझे भी दिख रही है गिरावट है ना, मुझे भी दिख रही है, तुम ऐसा बताओ कि आगे क्या होने वाला, तब तो आपको पता चलेगा। अगर आपको पता चल जाए यस बैंक का प्राइस जो है अगर इंक्रीज होने वाला है 30%, तो आप खरीदोगे कि नहीं, खरीद लोगे, लेकिन इंक्रीज होने के बाद अगर कोई बंदा शाम को वीडियो अपलोड मार के बोलता है कि भाई यस बैंक में 30% की अपर सर्किट है, आज तूने नहीं देखा, तो क्या बात कर रहा है, मैं भी देख रहा हूं तू भी देख रहा, बात खत्म हो गई, तुमने कुछ बताया पहले बताया तो उसी तरह। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये मैंने वीडियो बनाया था, कब बनाया था आपको डेट के प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा देता हूं, एक मिनट,
यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, थंबनेल है, ये थंबनेल है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं धमाकेदार प्रॉफिट की तैयारी, तैयारी मतलब आने वाले दिनों में प्राइस इंक्रीज होगा, ठीक है। पर देख सकते हो दिसंबर 24, मतलब कि जैसे ही दिसंबर गया मैंने वीडियो बनाया दिसंबर के लास्ट में, ठीक है, 24 को, ठीक है। अब मैंने आपको डेट दिखाया, प्रीवियस डेट, आज का डेट आप देख सकते हो, जनवरी खत्म होने वाला है, ठीक है। और देखिए मैंने आपको वीडियो में भी बोला था आपको खरीदना है, तो इसके लिए मैं आपको वीडियो प्ले करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा क्योंकि वीडियो का क्वालिटी खराब है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। और जो दूसरा है दोस्तों IRCTC, दोस्तों IRCTC, ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, IRCTC का अभी जो करंट वैल्यू चला था कितना, 864 रुपीज़ चला था, ठीक है। देखिए ध्यान से अगर थोड़ा देखिएगा तो मेंटेन कीजिए प्लीज, कॉपरेट कीजिए। लेकिन यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ वो कंटेंट सही है वीडियो में, हालांकि क्वालिटी गलत है, लेकिन कोई कोई बात नहीं, वीडियो की क्वालिटी गलत है लेकिन IRCTC कंपनी की क्वालिटी गलत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 864 रुपीज़ इसका करंट मार्केट प्राइस चला था, 864, ठीक है। 800 दोस्तों, 900 भी नहीं हुआ था, अभी तो 1000 को क्रॉस कर दिया, 1100 को टच करने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत अच्छा है। आने वाले दिनों में आपको अराउंड कम से कम तो दोस्तों 30-40% दे सकता है। IRCTC को कम मत समझिए दोस्तों, IRCTC में बहुत तो मैंने बोला दोस्तों IRCTC को कम मत समझो, आने वाले दिनों में 30-40% दे सकता है, और मैंने अभी आपको दिखाया कि मुझे 11% मिल चुका है, तो बचा कितना, थोड़ा और भी बचा है। आधा जो है आने वाले दिनों में प्रॉफिट होने वाला है। और सुना दोस्तों, मैंने बोला साफ साफ आने वाले दिनों में प्रॉफिट होने वाला, तो मैं जो भी बताता हूँ दोस्तों, ऐसा पास्ट वीडियो अपलोड मार के कुछ मुझे कोई फायदा नहीं होगा। आज मार्केट गिरा, अगर मैं बोल दूँ आज निफ्टी गिरा है, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, तो सब देख रहे हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे वीडियो बना के डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता मैं आपको। जहां तक IRCTC का गिरावट की बात रही तो दोस्तों ये देखिए IRCTC इस वजह से गिरा है क्योंकि ये डायरेक्ट ऊपर गया था, वर्टिकल चार्ट बना था दोस्तों। चार्ट कभी भी बनता है तो ऐसे बनता है, ये दोस्तों वर्टिकल चार्ट बना था, मतलब कि जैसे ओपन हुआ बहुत ऊपर चला गया, उसके बाद ये नीचे आ रहा, तो ये अच्छा बात है। करेक्शन हो रहा है ना, तो आपको करेक्शन के टाइम में खरीदना है, मतलब जब उसका प्राइस नीचे आना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए 1 ईयर में हुआ नहीं, लेकिन यहाँ देखिए 18% का रिटर्न दोस्तों हुआ नहीं 1 ईयर। तो यहां तक मैंने ये भी बोला दोस्तों, अच्छी बात है ना, IRCTC का प्राइस गिर रहा है, अरे भाई जब प्राइस गिरता है तभी तो खरीदना है, अरे जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो कौन खरीदेगा, हो सकता है ऊपर चला गया गिर जाए, तो मैंने क्या बोला, अच्छा हुआ नीचे जा रहा है तब खरीदो, करेक्शन के टाइम में खरीदो। और आज के डेट में देख लो दोस्तों, 800 का शेयर कहां पर चला गया है, क्या आज के डेट में भी आपको लगता है कि IRCTC 800 की रेंज में दौड़ रहा है, विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर, अभी मैंने दिसंबर में वीडियो बनाया था और आज देखिए दोस्तों जनवरी है, आज के डेट में तो देख सकते हैं दोस्तों 800 के आसपास का जो स्टॉक है 1100 को टच करने वाला है। इसका हाइएस्ट प्राइस भी आप देख लो दोस्तों, 1060 रुपीज़, मतलब 1100 के पास में ये जा ही रहा है। तो वो कौन सा वीडियो था दोस्तों, ये वीडियो, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, और फिर देखिए आसपास में मैंने वीडियो बनाया था, 1000 से नीचे था जब स्टॉक, तभी मैंने फिर से बोला कि आप खरीद लो करके। यहाँ पर देखिए ये वीडियो मैंने कब बनाया था, तो 1 डे, मतलब एक दिन 22 घंटा हुआ दोस्तों, 1 आवर 22, देख सकते हैं 1 डे 22 आवर्स हुआ। इसमें भी मैंने बोला था IRCTC को देखना, इतना कमाओगे कि 5 पीढ़ी तक नहीं खा पाओगे दोस्तों, मैंने बोला था ओनली 1 शेयर भी अगर आप करके खरीदते हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, जो मेरे कस्टमर हैं उनको भी मैंने बताया जो पहले आए थे उनके बाद, यहाँ पर देख सकते हो मैंने भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो, देखिए मैंने इन्फोसिस के बारे में बताया था, इन्फोसिस में भी मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग करके आपको दिखाया। हाँ प्रॉफिट बुक होता है लेकिन टाइम लगता है दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा नहीं पेशेंस चाहिए, तो अगर आपके पास पेशेंस है तो पैसा कमा लोगे। मैंने इन्फोसिस में भी देखा, मैंने आपको अच्छा खासा उसमें अराउंड मुझे लगता है कि 30% के आसपास मैंने उसमें प्रॉफिट दिखाया। लोग तो बहुत सारे वीडियो अपलोड मारते हैं, अरे भाई तुम दिखाओ तुमने क्या खरीदा था या नहीं खरीदा था, एडवाइस देने वाले बहुत मिल जाएंगे, इंप्लीमेंट करने वाले नहीं मिलेंगे। मैंने भी आपको बोल दिया शेयर मार्केट में जाओ करोड़ों कमा सकते हो, तुम्हारे पास दम है तुम पहले करके दिखाओ, उसके बाद किसी के पास आना, तो उसके पहले दोस्तों सबसे पहले मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं। तो अभी भी अगर आप हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हो तो दोस्तों आप काम कर सकते हो, अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हो तो उसके भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं मुझे डेमो चाहिए, ट्रायल चाहिए, सैंपल चाहिए, जो भी चाहिए हम यूट्यूब में अवेलेबल करवा देते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया 11 आवर्स पहले, मतलब मार्केट ओपन होने से पहले मैं 2 लॉजिस्टिक का वीडियो बनाया था, एक में आपको 5% का प्रॉफिट हुआ, एक में आपको 1% का लॉस हुआ, जो लॉस हुआ वो भी मैंने आपको दिखाया। तो 1% अगर निकाल भी दें तो 4% हमें प्रॉफिट हुआ, उसके बाद IRCTC में। तो इतना भी अगर आप मेरा टोटल वीडियो भी देखना चाहते हो देख लो, उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो दोस्तों लेट मत कीजिएगा, अगर आपको एक रियलिटी में, अगर सच में आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो लोग अभी से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि आने वाले दिन में कब क्या और कौन सा शेयर का प्राइस कहाँ चल जाएगा, हाथ से निकल जाएगा कौन सा शेयर का प्राइस। अभी देख लो MRF,
दोस्तों मेरे पास कुछ ऐसे भी कस्टमर है जो MRF को 10,000 के प्राइस पे खरीद के रखा गया है, ओनली 10,000 के प्राइस पे। आप प्रूफ मांगो, मैं आपको कमेंट करके दिखाओ दोस्तों, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा अगर आपको बिलीव नहीं है तो। MRF के जैसे शेयर को उन्होंने दोस्तों 10,000 के प्राइस पर खरीद के रखा। आज के डेट में MRF का स्टॉक आप देख सकते हो इंडिया का बहुत बड़ा शेयर प्राइस है दोस्तों, उसका 60 to 70,000 एक शेयर का प्राइस है। अगर आपने 10,000 में खरीदा होगा तो आप सोच सकते हो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या होता है दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम पे काम नहीं किया ना तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई अभी मर रहा है, अभी उसको पानी चाहिए, अगर अभी आप पानी नहीं पिलाओगे तो उसको मर जाने के बाद आप कितना भी समुंदर ला के दे दो, कोई फायदा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। तो टाइम पे काम किया करो। अगर आपको ज्वाइन करना है तो दोस्तों जल्दी कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ नंबर। ये जो नंबर है दोस्तों, ये व्हाट्सअप का परमानेंट नंबर है ऊपर वाला, उसके बाद ये जो नंबर है ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। जैसे ही आप हमारे पास नंबर अपना भेजोगे, वहाँ पर हमारे जो क्लाइंट है आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे। बात करने के बाद अगर आप जुड़ना है, जैसे जो भी होगा, आप बात करने के बाद आप हमारे से जुड़ जाइएगा। और गिरते मार्केट में इतना प्रॉफिट कमाना दोस्तों, 2 दिन से मार्केट गिर रहा है, आज 60 पॉइंट गिरा है, 60-80 बनाया था लोएस्ट। और दोस्तों कल के दिन, येस्टरडे के दिन दोस्तों, ये भी 150 मार्केट गिर गया था। और गिरते हुए मार्केट में इतना अच्छा प्रॉफिट बनाना कोई ये खेल नहीं है, पेशेंस का खेल है दोस्तों। पेशेंस, अगर आपने दूर से पेशेंस रखा है तो आज के डेट में आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रेज कीजिए, और जल्द ही आना होगा तो आइए, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।